दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हक्की आवाज़। हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो दिखाने जा रहे हैं ट्रेन के बारे में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। शानदार वीडियो आपके सामने। इस वीडियो में एक मालगाड़ी दिखाई गई है। ये ट्रेन चीन से चलती है और कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड होते हुए 10,214 किलोमीटर का सफर तय करके जर्मनी पहुंचती है, फिर जर्मनी से वापस चीन जाती है। इस ट्रेन को 13 जून 2018 को शुरू किया गया था और इस ट्रेन में 200 डिब्बे हैं, जिन्हें बढ़ाकर 300 किया जा रहा है। इसका काम शुरू है। 10,214 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 14 दिनों में पूरी कर लेती है, जबकि समुद्र जहाज़ में लगभग 60 दिन लगते हैं, यानी पूरे 2 महीने का समय लगता है। इस गजब के वीडियो में देखिए कि किस तरह से ये ट्रेन एक पहाड़ के चारों ओर चलती है और एक सांप का आकार ग्रहण कर लेती है, यानी उनकी शक्ल वैसी हो जाती है। पहाड़ी ट्रैक होने की कारण, यानी जो उसकी पटरियाँ जो होती है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर, इसकी वजह से इस ट्रेन में 4 इंजन, बड़े बड़े जो इंजन होते हैं मालगाड़ी को खींचने के, ज़्यादा क्षमता ताकत वाले, वो 4 इंजन लगाने इसको पड़ती है और 4 इंजन लगे हुए है ना अद्भुत ट्रेन, कमाल की। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं।